सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरबाइक चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। हाय दिस आदित्य प्रताप और स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आदित्य मोटरबाइक पर। तो आज हम आपके लाए सुजुकी की जिक्सर SF SP। तो इसके बारे में बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तभी उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो अभी आप इसका एक रिव्यू ले लें फिर बात करते हैं इसके बारे में। इसका जो लुक है वो दूसरी बाइक के कंपेयर में बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब वो अट्रैक्टिव क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये 155 सीसी की सेगमेंट की बाइक है और इसमें आपको इतनी अच्छी डिजाइनिंग मिलती है, इसमें आपको इतना अच्छा कलर दिया गया है, उसके जो ग्राफिक्स वही मेरे को बहुत पसंद आए हैं। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। इसका जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी हद तक सुजुकी की हायाबूसा के पैटर्न में ही दिया गया है क्योंकि इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो थोड़ा थोड़ा सुजुकी की हायाबूसा से लिया गया है और इसमें आपको जो फ्रंट हेडलाइट दी जाती है आपको हैलोजन हेडलाइट दी जाती है। फ्रेंड्स बात करें तो इसके एग्जॉस्ट के बारे में, इसका जो एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। तो आइए आप इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुन लें। बात करते हैं इसके बैक लुक के बारे में। इसका जो बैक लुक है वो इसके टायर की विड्थ की वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और इसकी जो टेल लाइट की डिज़ाइन है वो भी इस बाइक को बहुत अट्रैक्टिव फील कराता है। इसके आप देख सकते हैं वो काफ़ी हद तक ये बाइक बहुत ही स्पोर्टी है। बात कर लेते हैं इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और इसका जो सिटिंग राइडिंग पोस्चर है वो मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल फील करा है। जैसे कि आप मेरी थाई को देख सकते हैं, वो उसकी जो टैंक के ऊपर जो ग्रिपिंग देख रहे हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल सूट हो गया है जिससे आप जैसे उसके अपने ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपको जो फोर्स अपवर्ड है वो बहुत जल्दी रुक जाता है। बात करते हैं इसके सीट के बारे में। इसकी जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, इसमें आप अक्रॉस दो लोग को बैठ के अच्छे से कंफर्टेबल भी राइड कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ समय तक ही फ्रेंड्स बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि जो सीट की क्वालिटी है बहुत ही हार्ड है, आप अप्रॉक्स उसको 2 या 3 आवर्स तक अच्छे से राइड कर पाएंगे फिर आपको पेन होने लगेगा। सो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इसमें आपको बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जिससे कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल का साइन मिलता है, इसमें आपको RPM का भी इंडिकेटर मिल जाता है और लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर का मिल जाता है, इसमें आपको पासिंग का भी दिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी 7300 किलोमीटर तक राइड कर चुकी है और इसमें आपको पूरा डिजिटल मीटर दिया जाता है। और इसकी जो स्विचेस की जो बिल्ड क्वालिटी है वही बहुत अच्छा मटेरियल जो इसमें यूज़ हुआ है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आपको किल स्विच का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक के साइज़ के बारे में। इसमें आपको 266 mm का फ्रंट ब्रेक का साइज़ मिल जाएगा, आपको जो रेयर ब्रेक का साइज़ मिलेगा वो 220 mm का मिलेगा।
बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में, इसमें आपको ड्यूअल डिस्क मिलेंगे, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, प्लस इसमें आपको अलॉय व्हील्स। इसके इंजन के बारे में, इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व प्लस SOHC इसमें आपको इंजन मिल जाएगा। और इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो इसमें 154.9 cc इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके पावर के बारे में, इसमें आपको 14.8 PS एट द रेट 8000 RPM का इसमें आपको पावर मिल जाएगा और 14 Nm एट द रेट 6000 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिल जाएगा। जैसे गियर्स के बारे में, इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स 5 मिलेंगे और इसमें आपको जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम मिलेगा वो कार्बोरेटर मिलेगा, और इसमें आपको जो फ्यूल टाइप मिलेगा वो पेट्रोल मिलेगा। और बात करें तो इसके फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी जो कि बहुत अच्छी कैपेसिटी है, आप इसमें अप्रॉक्स 300 किलोमीटर तक बहुत अच्छे से कम्फर्टेबली राइड कर पाएंगे। और बात कर लेते हैं इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में, इसमें आपको एयर कूलिंग का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। और बात करें इसके टॉप स्पीड के बारे में, इसमें आपको 123 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाएगी और 40 किलोमीटर पर लीटर के इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। 155 cc की सेगमेंट की बाइक में आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपके पास जल्दी ला कर देंगे। तभी के लिए थैंक्स।